अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। थाई लॉटरी शाहिद भाई, मैं आप सब भाइयों को वेलकम कहता हूं। तो आज की इस वीडियो में 16 मार्च को जो थाई लॉटरी का ड्रा होगा यानी 16 मार्च 2023, तो इसके लिए 3 अप डायरेक्ट सेट का फार्मूला जिस आप भाइयों को दिखाऊंगा, जिसमें ओनली अपने पास 4 सेट होते हैं 3 अप के, जहाँ से 3 अप का डायरेक्ट सेट पास हो जाता है। उससे पहले मैं आपको डिजिट का फार्मूला दिखाता हूँ, जिसमें ओनली 2 डिजिट होते हैं जो अपना 3 अप में लग जाते हैं। तो आज की वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो शायद भाई की छोटी सी गुजारिश है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। पहले डिजिट का फार्मूला भाइयों को दिखाता हूँ। 0093 × 694, ये इसका कोड है। बराबर इसको ओनली 6 करने हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। 6 बराबर करने पे लास्ट वाले जो 2 डिजिट हैं यहीं से अपना मतलब के डिजिट चल रहा है। इसमें फर्स्ट डिजिट था 1 का एंड नेक्स्ट अपना डिजिट था 7 का। तो आगे जो अपना सेट आता है 3 अप का, 1, 9, 6 का सेट आता है 3 अप का। तो यहाँ पर 1 का डिजिट पहले ड्रा पे पास हो गया। इसमें ओनली 2 डिजिट होते हैं जो अपना 3 अप में मतलब इसमें डिजिट पास हो रहा है। फिर नेक्स्ट जो अपना फार्मूला है वो 3 अप डायरेक्ट सेट का फार्मूला है। तो गौर से वीडियो को देखिएगा। 196 × 694 बराबर ओनली इसको यहाँ पे 6 बराबर करने हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। 6 बराबर करने पे यहाँ पे 7 का डिजिट है एंड 1 का डिजिट है। ओनली यहाँ पे हमने 2 ही डिजिट उठा लेने हैं, 7 एंड 1। तो आगे अपना 3 अप का जो सेट नेक्स्ट ड्रा पे आता है वो 5, 1, 9 का सेट आता है 3 अप का। तो सेकंड ड्रा पे अपना डिजिट 1 का पास हो गया। पहले अपना 1 का डिजिट यहाँ पे ओपन डिजिट में लगा, नेक्स्ट अपना मिडल डिजिट में मतलब कि 1 का डिजिट पास हो गया। 5, 1, 9 × 6, 694 बराबर ओनली इसको 6 करने हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। 6 बराबर करने पे अपने पास यहाँ पे ओनली 4 का डिजिट था, क्योंकि डबल हो रहा है तो इसीलिए अपने पास यहाँ पे सिंगल डिजिट था 4 का। तो आगे अपना 3 अप का सेट आता है 4, 1, 1 यानी 4, 1, 1, यही अपना 3 अप का सेट आता है। तो यहाँ पे देखेंगे 4 का डिजिट अपना पास हो गया, 4 का डिजिट यहाँ पे ओपन डिजिट में लग गया। तो यही तरीके का है इस फार्मूले का। इसमें सिर्फ ओनली 2 डिजिट होते हैं जहाँ से अपना डिजिट पास हो रहा है। 4, 1, 1 × 694 बराबर इसको 6 करने हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। 6 बराबर करने पे यहाँ पे जो डिजिट है 9 का डिजिट है एंड 7 का डिजिट है। ओनली अपने पास 2 डिजिट थे, कपल डिजिट 9 एंड 7। आगे अपना सेट आता है 4, 1, 7 का सेट आता है। तो यहाँ पे 7 का डिजिट अपना 2 डिजिट में पास हो गया, और ये अपना लास्ट वाले डिजिट में 7 का डिजिट लग जाता है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। 4, 1, 7 × 694 बराबर ओनली इसको 6 करने हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। 6 बराबर करने पे यहाँ पे जो डिजिट है 5 का डिजिट है एंड 9 का डिजिट है। यहाँ पे अपने पास 5 एंड 9 का डिजिट था। सो आगे अपना सेट आता है 3 अप का 6, 5, 2। तो यहाँ पे 5 का डिजिट यहाँ से 5वें ड्रा पे यानी 5 ड्रा हो गए, अपना 5वां जो डिजिट है वो पास हो गया, और यहाँ पे मिडल डिजिट में 5 का डिजिट लग जाता है। तो बहुत ही ख़ास फार्मूला है। 5 ड्रा हो गए यानी 5 ड्रा हो गए, इसमें अपना डिजिट पास हो रहा है। तो अब आने वाले ड्रा के लिए आप भाइयों को दिखाता हूँ 16 मार्च को जो थाई लॉटरी का ड्रा होगा, इसके लिए कौन से डिजिट हैं। यहाँ पे 6, 5, 2 × 694 बराबर ओनली इसको 6 करने हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। 6 बराबर करने पे आने वाले ड्रा के लिए जो अपने पास डिजिट है उसमें पहला डिजिट है 4 का, नेक्स्ट अपना जो डिजिट है वो 6 का डिजिट है। अब आने वाले ड्रा के लिए जो अपने पास डिजिट है 4 का डिजिट है एंड 6 का डिजिट है, जो 3 अप में अपना डिजिट आना चाहिए ओनली 2 डिजिट में से, क्योंकि पहले इसी तरह अपना फार्मूला चल रहा है।
इसमें दो डिजिट में से डिजिट लाजमी पास हो जाता है। तो अगर शायद भाई की ये रूटीन आप भाइयों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कर लें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। अब मैं आपको सेकंड फार्मूला दिखाता हूँ, उसमें थ्री अप डायरेक्ट सेट पास हो रहा है, दो ड्रा हो गए उसमें सेट थ्री अप का पास हुआ है। अब वो रूटीन किस तरह है उस पर गौर करना है आप भाइयों ने। 411 मल्टीप्लाई इसका यहाँ पर जो कोड है वो 666 इसका कोड है, बराबर ओनली इसको 16 करने हैं, 16 बराबर पे ये फार्मूला है। इसमें सेट थ्री अप का चल रहा है, अब सेट कैसे थ्री अप का पास हो रहा है ये भी आगे चल के मैं आप भाइयों को बताता हूँ। 411 मल्टीप्लाई 666 बराबर 16 करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16 बराबर करने पे फर्स्ट यहाँ पे फोर का डिजिट हमने छोड़ देना है, ठीक है। यहाँ पे हमने सेकंड एंड थर्ड यहाँ पे डिजिट उठा लेना है, तो यहाँ पे अपने पास पेयर जो बन रहा था 411 का पेयर था, यहाँ पे 411 एंड इसको अगर कल्टी करेंगे 411 है तो 14 भी हमने करना है, ठीक है। अपने पास यहाँ पे ओनली दो पेयर बन रहे थे 411 एंड 14, तो आगे अपना जो थ्री अप का डायरेक्ट सेट आता है वो अपना सेट आता है 417 का सेट आता है, तो यहाँ पे डायरेक्ट ही अपना पेयर 411 का यहाँ से पास हो गया, ठीक है, 411 का पेयर। अब यहाँ पे लास्ट वाला जो डिजिट है वो कैसे निकालना है, लास्ट वाला डिजिट निकालना है हमने यहाँ पे 7 का, यहाँ पे जो डिजिट है इसी से, ये देखें 7 का जो डिजिट है इसको हमने बाहर निकाल लिया, 7 से हमने एक प्लस करना है 8, अपने पास लास्ट वाले डिजिट 2 बन गए। तो अपने पास यहाँ पे सेट ओनली 4 बन रहे थे, पहला अपना सेट था 417 एंड 418 एंड 147 एंड 148। तो अपने पास ओनली यहाँ पे 4 सेट थे थ्री अप के, जहाँ से थ्री अप का डायरेक्ट सेट पास होना था, तो 417 का यहाँ पे थ्री अप डायरेक्ट सेट यहाँ से अपना पास हो जाता है। बहुत ही अच्छा फार्मूला है, अगर आप भाइयों को ये रूटीन अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक नहीं किया तो ज़रूर कर लें। तो इसी तरीके के साथ आप भाइयों ने देखा यहाँ पे पियर भी पास हो गया और सेट भी थ्री अप का पास हो गया। अब नेक्स्ट जब ड्रा आया 417 मल्टीप्लाई 666 बराबर इसको ओनली 16 करने हैं, 16 बराबर करने पे ये फार्मूला है, गौर से देखिएगा। 417 मल्टीप्लाई 666 बराबर 16 करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15 एंड 16। तो 16 बराबर करने पे यानी 16 बराबर करने पे 5 का डिजिट छोड़ देना है, यहाँ पे 41 था अब वहाँ पे 56 है, यानी 56 है, तो 56 एंड 65 ओनली अपने पास दो पियर बन रहे थे। तो आगे जो अपना सेट आता है थ्री अप का 652 का अपना सेट आता है, तो दो पियर में से 65 का पियर यहाँ से पास हो गया और डायरेक्ट ही इसमें कपल पियर होते हैं, यानी दो पियर थे जहाँ से अपना पियर 65 का पास हो गया। लास्ट वाला जो डिजिट है वो निकालना है 1 वाले डिजिट से, यहाँ पे 1 का डिजिट है यानी सिंगल 1 का डिजिट है, 1 का डिजिट है जहाँ पे पहले 7 था, अब यहाँ पे 1 का डिजिट 1 प्लस 1 2 यानी 7 1 प्लस 8 1 1 प्लस 2। तो यहाँ पे अपने पास ओनली लास्ट वाले जो डिजिट थे वो अपने पास दो डिजिट थे, उसमें 1 का डिजिट है एंड 2 का डिजिट है, तो यहाँ पे अपने पास जो सेट बनते हैं थ्री अप के 561 एंड 562 एंड 651 एंड यहाँ पे 652। तो ओनली अपने पास 4 सेट थ्री अप के बन रहे थे जहाँ से थ्री अप का सेट पास होना था, तो 652 का यहाँ पे थ्री अप डायरेक्ट सेट अपना दूसरे ड्रा पे पास हो गया, ठीक है। तो यही तरीके कार है इस फार्मूले का, इसमें बहुत ही ख़ास तरीके के साथ सेट थ्री अप का चल रहा है। अब आने वाले ड्रा के लिए देखते हैं इसमें कौन से वो सेट हैं थ्री अप के, वो भी आप भाइयों को दिखा देता हूँ आने वाले ड्रा के लिए। तो आने वाले ड्रा के लिए जो सेट हैं वो भी आप भाइयों को दिखा देता हूँ। अगर शायद भाई की रूटीन आप भाइयों को अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक नहीं किया तो ज़रूर कर लें।
5 6 6 5 2 मल्टीप्लाई 666 बराबर ओनली इसको 16 बराबर करने हैं। ठीक है, अब देखते हैं आने वाले ड्रा के लिए कौन से अपने पास त्रिअब के सेट हैं। 6 5 2 मल्टीप्लाई 666 बराबर 16 करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16th। 16 बराबर करने पे 7 का डिजिट छोड़ देना है अपने पास। यहाँ पे जो फर्स्ट पेयर है वो अपना पेयर है यहाँ पे 1 0 का, और हमने इसको 0 1 भी करना है। तो अब आने वाले ड्रा के लिए ओनली अपने पास दो पेयर हैं, 10 का पेयर है एंड 0 1 का। तो ये ओनली अपने पास यहाँ पे दो पेयर बन गए, और लास्ट वाले जो डिजिट हैं वो निकालने हैं। यहाँ पे 8 का फिगर है उसी से, तो 8 का जो डिजिट है ये हमने 8 का डिजिट बाहर निकाल लिया, 8 1 प्लस 9। तो अपने पास लास्ट वाले जो डिजिट हैं वो ओनली दो डिजिट हैं, 8 का डिजिट है एंड 9 का डिजिट है। तो यहाँ पे ओनली अपने पास जो सेट बनते हैं थ्री अप के, उसमें पहला सेट है 1 0 8 एंड 1 0 9 0 1 8 एंड 0 1 9। तो अपने पास ओनली अभी आने वाले ड्रा के लिए ये पेयर आ रहे हैं, ओनली टू पेयर हैं एंड 4 सेट हैं थ्री अप के, जहाँ से अल्लाह को मंजूर होगा तो थ्री अप डायरेक्ट सेट पास हो जाएगा। और अपने पास यहाँ पे जो डिजिट हैं वो 4 का डिजिट है एंड 6 का डिजिट है, ये भी थ्री अप में आ सकता है। और यहाँ पे अपने पास 9 है तो ये 6 भी हो सकता है, और 6 है तो ये 9 भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि इनका इतबार नहीं होता। अगर शायद भाई की रूटीन आप भाइयों को अच्छी लगी हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर लें। अभी अपने पास यहाँ पे जो डिजिट है 4 का डिजिट है एंड 6 का डिजिट है, और अपने पास जो पेयर है वो 10 का पेयर है एंड 0 1 का, यानी 10 का पेयर है और 0 1 का। और अपने पास जो लास्ट वाले डिजिट हैं वो 8 का डिजिट है एंड 9 का, यानी 8 और 9 का डिजिट है। तो अगर शायद भाई की रूटीन अच्छी लगी हो, यहाँ पे भी देखें 417 यानी 41 7 का सेट पास हो गया, और यहाँ पे भी 65 2 का सेट पास हो गया यानी 652 का। तो अपने शायद भाई को इजाज़त दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।